संभागीय आयुक्त ने पदभार संभाला। अजमेर की नवनियुक्त संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने आज अपना पदभार संभाल लिया। उन्होंने बताया कि इस समय उनकी प्राथमिकता कोरोना से निपटना और टिड्डी दल के प्रकोप को खत्म करना रहेगी। इसके साथ ही उनकी प्राथमिकता सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना और स्किल मैपिंग योजना रहेंगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना में जिले के सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं, इसलिए यह भी उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगी। उन्होंने कहा कि अजमेर में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को पूरा कर गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया जाएगा। संभागीय आयुक्त मलिक ने कहा कि अजमेर में वह पहले भी काम कर चुकी हैं, इसलिए यहाँ की परिस्थितियों से वे पूरी तरह वाकिफ हैं। उनकी पूरी कोशिश अजमेर का विकास करने की। राजस्थान के हृदय अजमेर में मेरी यह दूसरी पोस्टिंग है और यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने यहाँ संभागीय आयुक्त के रूप में ज्वाइन किया है। जो प्राथमिकताएं पूरे संभाग में रहेंगी वो वर्तमान में तो कोविड कंट्रोल है और उसके साथ ही टिड्डियों का प्रकोप जो अन्य हमारे संभाग के जिलों में है उसको कंट्रोल करना रहेगा। साथ ही गरीब कल्याण योजना और स्किल मैपिंग ये जो वर्क्स हैं इसको प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। महात्मा गांधी नरेगा भी एक राज्य सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है और यह भी हर्ष का विषय है कि अजमेर ज़िले में सर्वाधिक लेबर लगी हुई है वर्तमान में 2 लाख प्लस। तो इस प्रकार से राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं और साथ ही गुड गवर्नेंस देने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आप लोगों का सहयोग भी मिले और आपके वैल्यूबल इनपुट्स भी मिले, ऐसा मुझे विश्वास है। हाँ सही है, क्योंकि संभाग में इनफैक्ट 2 जिले में तो मैं कार्य कर चुकी हूँ, टोंक कलेक्टर और अजमेर कलेक्टर में रही भी हूँ इस हिसाब से, और बहुत सारी मीटिंग्स हमने इसी संभाग इसी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में भी अटेंड करी हैं। तो जो कुल मिलाकर यह संभाग नया नहीं है और यहाँ बहुत अच्छा सहयोग पहले भी आप लोग सभी का मिला है। पूरा विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकताओं पर कार्य करते हुए गुड गवर्नेंस देने का